नमस्कार साथियों, मैं तिलकुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल जहां पर पढ़ते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएं, तो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ 17 वरदान मांगूंगा नहीं, और इससे पहले के सभी पाठ अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। चलिए इस कविता को शुरू करते हैं और वाकई बहुत ही मोटिवेशनल, कुछ संदेश देने वाली कविता। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कविता को प्रारंभ करने से पहले मैं दो बातें या दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि इस कविता के माध्यम से लेखक का या मानव का दंभ या हठ मत समझिए। यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि जब ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, स्वस्थ शरीर दिया है, तो अब कुछ मांगने को बचा नहीं। और फिर ये जीवन संघर्ष है, यहाँ पर अगर हम मांगने बैठेंगे तो जीवन भर मांगते ही रहेंगे और कभी भी हम संतुष्ट होंगे नहीं। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, यानी कि हमने कोई प्रयास किया और बीच में हमें हार मिली, निराशा मिली, तो इसे सिर्फ एक विराम समझिए, ब्रेक समझिए। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि अगर पहली बार सफलता मिल जाए तो लोग उसको भाग कह सकते हैं, लेकिन अगर एक बार असफल होने के बाद आप सफलता प्राप्त करते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये आपने मेहनत से प्राप्त की। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम। और ये जो जीवन होता है ये एक महासंग्राम की तरह है, जहाँ नित रोज नई लड़ाई, नए युद्ध लड़ने पड़ते। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, कभी कह रहा है कि मैं मिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन मैं दया की भीख की, मुझे ये दे दो, मुझे, मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं ये चाहता हूँ, तो मैं ये वरदान नहीं मांगूंगा। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए, जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए, जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कभी अपने सुख के लिए, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, अपने भले के लिए दूसरों की या किसी की भी संपत्ति नहीं लेना चाहता। वह कह रहा कि वह अपनी टूटी फूटी जर्जर हालत में मामूली और जो उसका जो घर है उसको जीवन में सुखद क्षणों की स्मृति पाने के लिए संसार वो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन उसे इसके लिए संसार की संपत्ति के लिए आवश्यकता, संसार की संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। यानी अपने खंडरों के सुधार के लिए उसे जो है ऐसा ही रहेगा, लेकिन वो किसी से कुछ मांगेगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वे भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। अब कभी कहता है कि जीवन संघर्ष में जो भी मिले वो सब मंजूर है मुझे, लेकिन जीवन एक संग्राम और इसमें हार और जीत दोनों चीजें मिलती है, तो इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं। चाहे हार मिले, चाहे जय मिले, चाहे विजय चाहे पराजय, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। दोनों ही एक ही बात के दो रूप हैं, या कहें एक ही सिक्के के दो पहलू। इसलिए कवि कहता है कि वरदान की जरूरत नहीं है, यानी संघर्ष पथ में मुख्य बात यह है कि संघर्ष बड़ा होता है, ना कि क्या पाया क्या खोया। लगुतान अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि क्या कह रहा है, कभी कह रहा है कि लगुता, कभी कहता है कि जो जीवन व्यक्ति जीवन संघर्ष में विजयी होकर महान बन गए या अपनी महानता बनाए रखी है, ऐसे उसे अपने लघु रहने में ही आत्मसंतोष है, यानी कि वो जैसा है वैसे ही ठीक है। उसे इस वेदना से ही लगाव, जो उसका कष्ट है, जो दुख है, उसे उससे मोहब्बत हो गई, उससे उसे प्रेम हो गया और उसको त्यागने के लिए तैयार नहीं, और त्यागेगा भी, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, आपसे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे आपसे ये भीख नहीं चाहिए, उसे तो केवल जीवन में संघर्षरत रहना है। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, चाहे हृदय को ताप दो चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कभी कहता है कि चाहो तो उसके हृदय को जलाओ और चाहो तो उसे परेशानियां दो, चाहे कितनी भी सुदामा जी की तरह कितनी भी मुसीबतें दो, लेकिन वो अपने सत्य पथ से हटेगा नहीं, डिगेगा नहीं, भलाई करने के स्थान पर उसके अहित की कामना करें, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे चाहे बर्बाद कर दो, नेस्ता नबूद कर दो, लेकिन मैं अपने लक्ष्य से और अपने संघर्ष रत जीवन से जरा भी डिगेगा नहीं, और इस रण क्षेत्र से, क्योंकि जीवन एक महासंग्राम, इस रण क्षेत्र से भागेगा नहीं, इसे किसी वरदान की जरूरत नहीं है।
तो कविता के माध्यम से कवि बस ये कहना चाहता है कि मैं संघर्ष करूंगा करूंगा करूंगा, लड़ूंगा लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए किसी की दया की जरूरत नहीं है। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, दशरथ मांझी। तो यही है कि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित ये कविता की वरदान मांगूंगा नहीं। आप कविता का आशय भली भांति समझ चुके होंगे और पद्म भूषण से सम्मानित शिव मंगल सिंह का जन्म 1916 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, जो कानपुर के पास है, और हिंदी विषय में आए PhD की उपाधियां प्राप्त की। बाल अवस्था से ही काव्य रचना की उनका सुमन उपनाम कविताओं का लेखन के कारण हुआ। उनके काव्य संग्रह हिल्लोल, पर आंखें भरी नहीं, जीवन के मान, प्लस महासंग्राम, महान संघर्ष, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने का भाव, प्रहर, एक दिन का 8वां भाग, ताप, कष्ट, और ये भी उन्हीं की द्वारा लिखी हुई कविता, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवौरी, कनक कटोरी की मैदा से, यानी कि स्वर्ग की गुलामी से अच्छी है नर्क की बादशाही। उपयुक्त कविता श्री मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित और विचार और कल्पना और जीवन महासंग्राम, कभी दया की भीख नहीं लेना चाहता, इस संबंध में आपका क्या विचार? आप भी अपने विचार प्रकट कीजिए, कमेंट से ही करिए, ये भी सही वह भी सही। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए इसका शीर्षक वरदान मांगूंगा नहीं क्यों रखा गया? क्योंकि कवि को अपने संघर्ष पर, अपने संघर्षमय जीवन से मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए ये कविता से, तो आप कविता को दोबारा सुने, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, और निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। क्या हार में, क्या जीत में, जीवन संघर्ष है, इसमें हार किंचित नहीं भयभीत, मैं क्षणिक विश्राम के रूप में लेना चाहिए। मैं विश्व की संपत्ति हारो या जीत, मैं जरा भी चाहूंगा नहीं, भयभीत नहीं। तो आपको ये मिलान करना है कविता में, जीवन महासंग्राम क्यों कहा गया, और जीवन तो महासंग्राम होता है, भाषा की बात। इस कविता में एक पंक्ति है, क्या हार में क्या जीत में, से एक ही पंक्ति में हार और जीत दो परस्पर विलोम शब्द है। आप भी कुछ ऐसी पंक्तियां बनाइए, सुख दुख ओह पाठ में आए तो कान सब छाड़ कर अपने वाक्य में प्रयोग किए, जन लोग जान प्राण, ऊपर रखे शब्दों में केवल एक मात्रा के हेर फेर से उनके उच्चारण अर्थ दोनों में परिवर्तन हो जाता है। जी हाँ, वक्त बदलते देर नहीं लगती है, जीवन एक विराम है, जीवन महासंग्राम, जीवन बहुत अल्प, जीवन में बहुत आराम है। तो इस तरह एक आपकी कविता थी, और अगला पाठ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत प्रिय प्रवास है, इस कृत पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान भी किया गया। ये थी सामान्य ज्ञान की बात, और यहाँ पर पढ़ते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, जुड़ें, क्योंकि इस चैनल से जुड़ने के बाद फिर आपको किसी प्रकार की पढ़ने और पढ़ाने से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। नमस्कार।